मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड सब्सक्राइब बटन दबाइए, फिर इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए नए अपडेट्स के लिए। हेलो एंड वेलकम। आज की वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ DIY लिप बाम, और ये लिप बाम बहुत इजीली आप बना सकते हैं घर पे। और जो भी चीजें आप यूज करें आपको पता होता है आप क्या चीजें यूज करें, क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, और ये बहुत ही इजी है बनाना। आइए देखते हैं मैं कैसे बनाती हूँ। होममेड लिप बाम बनाने के लिए मैंने लिया है वैसलीन, ग्लिसरीन। ग्लिसरीन ये होठों को सॉफ्ट करता है, अगर आपके होठ बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं तो आप ग्लिसरीन यूज़ कर सकते हैं इसमें। उसके बाद विटामिन ई के कैप्सूल, अगर होठ आपके काले से हो रहे हो तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है और होठों के लिए अच्छा होता है। और कोई भी स्मॉल जार या कंटेनर आप ले सकते हैं, मेरे पास इस टाइप का एक्रेलिक का जार था तो मैं ले रही हूँ। और कोई भी पुरानी लिपस्टिक हो या टूटी लिपस्टिक हो या जो रेगुलर यूज़ कर रहे हैं, अगर आपको उसका कलर पसंद है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा ही आपको लेना होता है। कोई साफ बोल ले लीजिए और एक स्पून ले लीजिए। उसके बाद अपने जार का साइज़ देख लीजिए, जितना बड़ा जार आपको, जार में आपको लिप बाम बनाना है या जितने बड़े कंटेनर में लिप बाम बनाना है उस हिसाब से आप उसमें से वैसलीन आप निकाल लीजिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा निकालेंगे तो वो फिर जार से बाहर रह जाएगा, वेस्ट होगा। मैं उतना ही निकाल रही हूँ जितना मेरे जार का साइज़ है, लगभग उतना ही। उसमें मैं 1 से 2 ड्रॉप ग्लिसरीन ऐड कर रही हूँ। अब मैंने 2 कैप्सूल विटामिन ई के लिए हैं। कैप्सूल्स को आप किसी चाकू की सहायता से या किसी सीजर्स की सहायता से काट लीजिए आगे से, और उसके बाद जो इसके अंदर का लिक्विड होता है इसके अंदर आप डाल दीजिए। ये हमने डाल दिया, अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद जो लिपस्टिक मेरे पास, ये पुरानी लोटस की लिपस्टिक थी, इसका कलर मुझे पसंद है तो मैं इसका हल्का सा थोड़ा सा पीस डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल लाइट कलर का लिप बाम चाहिए घर में यूज़ के लिए। आप चाहें तो, अगर डार्क चाहिए आपको तो ज़्यादा लिपस्टिक ऐड कर सकते हैं। उसके बाद एक बड़े बर्तन में पानी गर्म कर लिया मैंने, उस पानी में ये कटोरी मैंने ऊपर रख दिया है। और ये ध्यान रखिए कि कटोरी के अंदर पानी ना जाए, ये ऊपर फ्लोट करती रहे, पानी इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए जो कटोरी के अंदर चली जाए। उसके बाद इसको ऐसे मिक्स कर लीजिए, सब कुछ मेल्ट हो जाएगा। और मेरी लिपस्टिक एक्चुअली मैट लिपस्टिक मैंने ली थी तो अच्छी तरह से नहीं मेल्ट हुई है, तो उसको मैं स्पून की सहायता से प्रेस करके कर रही हूँ। ये पूरा मिक्स हो गया। अब ये जार आप इस टाइप का ले सकते हैं, नहीं तो आपके पास नहीं है तो आप घर पर भी बना सकते हैं इस टाइप से। ये मैंने एक वीडियो में बनाया था, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप देख सकते हैं। नहीं तो अगर आपके पास जार है ऑलरेडी तो आप उसमें इस लिक्विड को पोर कर लीजिए। ये आपका लिप बाम रेडी है। आप इसे फ्रिज में 1 से 2 घंटे के लिए रख दीजिए जिसे ये सेट हो जाए। 2 घंटे के बाद मैंने फ्रिज से इसे निकाल लिया और ये लिप बाम तैयार हो गया हमारा, ये देखिए। अब यूज़ करने के लिए बिल्कुल रेडी है, और इसे मैं अपने हाथ पे लगा रही हूँ। एक्चुअली काफ़ी लाइट कलर का मैंने बनाया है इसलिए उतना विजिबल नहीं हो रहा है, मैंने डेली यूज़ के लिए बनाया। आप चाहे तो डार्क कलर का बना सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। ये हमारा होममेड लिप बाम तैयार हो गया बहुत ही इजीली। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय।